Plastic is the part of today's lifestyle, but you know you can minimize the use of plastic by using Wildlands eco-friendly plastic substitutes. Hi, welcome back to Wildlands Eco Foundation. My name is Shraddha and today again I'm gonna share the information about a very trendy product. So, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन आवर डेली लाइफ. हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, इधर वो हमारे अगर लंच बॉक्सेस हैं या हमारी मग है, फ्लास्क है या पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है, प्लास्टिक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व्ड होती ही होती है, जो कि किसी भी तरीके से कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है एंड ऑल्सो वो आपकी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है. सो मैं आज आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ या इन्फॉर्मेशन कह सकती हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ अबाउट अ गिफ्ट सेट. नॉट ओनली अ गिफ्ट सेट, आप इसको इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं फ्रॉम द वाइल्डलैंड्स इको फाउंडेशन, बट मैं आपको इसे एज अ गिफ्ट सेट रिप्रेजेंट करने वाली हूँ. बिकॉज क्या होता है कि जब भी बात आती है ना किसी को कुछ गिफ्ट करने की, तो ऑप्शंस थोड़े से अगर हम बात करें इको फ्रेंडली या एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों की, तो ऑप्शंस थोड़े कम रहते हैं. तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊँगी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन के बारे में, जो कि आप बिना सेकेंड थॉट के किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं. इधर वो आपका किसी आप बेबी को गिफ्ट कर रहे हैं, या आप अपने लव्ड वन को गिफ्ट कर रहे हैं, या आप अपने किसी फ्रेंड को, एंड ऑल्सो अगर आप अपने बॉस को भी गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट डालने वाला है इन फ्रंट ऑफ योर बॉस. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रोडक्ट. सो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आपसे ये फ्लास्क एंड मग के बारे में. फ्लास्क एंड मग आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही कॉमन है, फ्लास्क एंड मग का ऐसा क्या है, इससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें मार्केट में मिल जाएंगे. बट क्या आपने ये सोचा है कि अट्रैक्टिव के चक्कर में हम कभी कभार ऐसी चीज़ें अपने साथ ले आते हैं जो कि हमारी हेल्थ एंड ऑल्सो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं. सो अगर मैं बात करूँ इन इको फ्रेंडली मग या फ्लास्क के बारे में, तो स्पेशलिटी क्या है इन मग की या फ्लास्क की, तो स्पेशलिटी है इसका मटेरियल जो इसको बनाने में यूज़ किया गया है. इसको बनाने में वीट स्ट्रॉ फाइबर यूज़ किया गया है, इसमें किसी भी टाइप का कोई केमिकल कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं किया गया है, या किसी भी टाइप का कोई कलरिंग एजेंट नहीं यूज़ किया गया है. ऑर्डरलेस है बिल्कुल. अगर आप इसमें कोई भी चीज़, आप इसमें कॉफ़ी, टी या कुछ भी आप ईटेबल आइटम अगर इसमें डालकर रख देते हैं, अगर आप उसको 2-3 घंटे भी आई मस्ट से अगर आप उसे रखते हैं, उसके बाद भी आपको किसी भी टाइप का प्लास्टिक की स्मेल नहीं आएगी. इट्स नॉट अबाउट ओनली स्मेल कि हमें स्मेल आ रही है जस्ट बिकॉज इसके लिए हम इसको चेंज कर दें. नो, वो स्मेल नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक केमिकल चीज़ है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रही है. तो वाई टू यूज़ दैट जो हमारी बॉडी को ऑलरेडी नुकसान कर रहा है, हम क्यों ना ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि हमारी हमारे इन्वायरमेंट को एंड ऑल्सो हमारी बॉडी के लिए भी ठीक हो. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम जो है उससे बनाई गई है, सेम मटेरियल यूज़ किया गया है इन दोनों प्लास्ट मग एंड फ्लास्क को यूज़ करने के लिए. ये टॉक्सिन फ्री है, इसमें किसी भी टाइप का कोई केमिकल नहीं है. ये माइक्रोवेव फ्रेंडली है. आप इसको अगर आप ऑफिस में यूज़ करें, अगर ये आप एज अ गिफ्ट सेट अपने किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट कर रहे हैं, या ऑल्सो आप अगर इसे एज अ गिफ्ट सेट आप अपने बॉस को गिफ्ट कर रहे हैं, और तो आपके लिए सबसे बेनिफिट वाली चीज़ जो है वो ये है कि आपको आपके बॉस को या आपको इसमें कोई भी, अगर आप माइक्रोवेव करना है, आपको चाय है, कॉफ़ी है, अगर कुछ भी आपको गर्म करना है, तो यू डोंट नीड एनी अदर यूटेंसिल और समथिंग लाइक दैट. यू जस्ट टेक योर मग, आपका इसमें जो भी प्रोडक्ट है आप उसे माइक्रोवेव में रखिए और आपको गर्म आपकी चीज़ मिल जाएगी. राइट, तो अब मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द सेकेंड प्रोडक्ट. सो मैं बात करूँ अगर नोट पैड, आप देख सकते हैं, अगर मैं बात तो आपको इसमें दिख रहे होंगे, आप इसमें देख सकते हैं ये छोटे छोटे आपको सीड्स मिल रहे होंगे. तो ये जो नोट पैड है ये बनी हुई है प्लांटेबल सीडेड पेपर के थ्रू. प्लांटेबल सीडेड पेपर व्हाट? प्लांटेबल सीडेड पेपर वो पेपर है जो जिसको आप अगर जैसे ये डायरी है, डायरी हमने इसमें लिखा,
लिखने के बाद हमारी ये डायरी का क्या हुआ, ये भर गई, हमारे लिए यूज़लेस हो गई। बट नो, ये डायरी हमारे लिए यूज़लेस नहीं है, हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं, हम इसे एक बहुत ही अच्छा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, राइट? तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लांटेबल, ये 100% हैंडमेड है, 100% ऑर्गेनिक है। एंड ऑल्सो अगर आपसे मैं पेजेस की बात करूँ तो इसमें आपको 40 पेजेस आपको मिलते हैं, अच्छी खासी थिकनेस है इसकी अगर मैं बात करूँ। और इसको रिसाइकल आप कैसे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है, अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा इन वन गो कि ये क्या है, मतलब हम इसको रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल स्टेप है। इसको रिसाइकल करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आपकी ये डायरी भर जाती है आपको क्या करना है, यू जस्ट टेक इसका ये पेपर और इसको आपको श्रेड करना है। श्रेड करने के बाद अपने सॉयल पॉट्स, हम सभी के घरों में, ऑफिस में अवेलेबल ही होते हैं, हमें क्या करना है, बस इसको श्रेड करके हमारे सॉयल पॉट में डाल देना है। सॉयल पॉट में डालने के बाद जैसे हम एक सीड को प्रॉपर वाटर एंड प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हमें वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है इसको ग्रो करने के लिए। एंड आपको विद इन आई गेस 8 to 10 days आपको छोटे छोटे मिनी प्लांट्स मिलने लगेंगे, आप देखने लगेंगे कि मिनी प्लांट्स ग्रो होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा कर रहे हैं, दूसरी बात कि हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं यूज़ कर रहे हैं जो हम वेस्ट कर रहे हों। क्योंकि क्या होता है, अगर हम जैसे प्लास्टिक, हम कागज़, नॉर्मल कागज़ यूज़ करते हैं, नॉर्मल कागज़ हम क्या करते हैं, नॉर्मल कागज़ कहीं ना कहीं हम उससे क्या कर रहे हैं, वुड, वो वुड के थ्रू बना होता है, वुड पल्प के थ्रू बना होता है। एंड दिस जो अगर मैं इस प्लांटेबल सीड पेपर की बात करूँ, या ऑल्सो मैं ये विजिटिंग कार्ड्स की भी अगर बात करूँ, मेरे पास ये विजिटिंग कार्ड्स भी हैं, तो ये क्या है, ये हमारी बनी हुई है कॉटन पल्प के थ्रू। कॉटन पल्प क्या है, ये भी एक मन में क्वेश्चन आता है कि कॉटन पल्प का क्या मतलब है। कॉटन पल्प जो हमारे कॉटन फैब्रिक से जो फाइबर निकलता है उससे वो कॉटन पल्प बनता है, और उस कॉटन पल्प से हम ये प्लांटेबल सीडेड पेपर बनाते हैं जिसको हम ईजली रिसाइकल कर सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है, किसी भी टाइप से ये आपके एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, बल्कि ये एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं क्लीन करने में या कहीं ना कहीं ग्रीन करने में एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। अब मैं बात करती हूँ आपसे थर्ड प्रोडक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन से प्रोडक्ट हैं। आप प्लास्टिक पेन और पेंसिल्स की अगर मैं बात करूँ, तो पेन और पेंसिल्स तो बहुत ही कॉमन है, हर कोई यूज़ करता है, बच्चे भी इनफैक्ट यूज़ करते हैं। तो अभी अगर मैं आपसे पेन और पेंसिल के बारे में बात करूं, तो पेन और पेंसिल हम क्या करते हैं, अगर मैं इससे पहले की बात करूं, तो मैंने कभी भी कोई पेन या पेंसिल, पेन स्पेशली मैंने नहीं देखा है जो पेपर से बना हो। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था। अगर मैं पेज पे जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो, बट अभी भी मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊं, तो ये बना हुआ है हैंडक्राफ्ट पेपर से, जो कि पूरे तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, जिसका एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन जा रहा है। एंड इसमें किसी भी टाइप का, एक्सेप्ट आपकी रिफिल, किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल, कोई भी प्लास्टिक कंटेंट यूज़ नहीं किया गया। और इसको भी आपको ग्रो करना, इसको आप इससे प्लांट ग्रो करना इज़ वेरी इजी। आप देख सकते हैं इसमें, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, अगर आप देख सकते हैं इसमें, ये नीचे आपको सीड्स दिख रहे हैं, और जो भी सीड इसमें है उसका नेम आपको पेन के ये आपको आउटर उस पर दिखेगा। आप देख सकते हैं इस पर, जैसे कि इसमें है कोरिएंडर, तो कोरिएंडर इसमें लिखा भी हुआ है, और कोरिएंडर के सीड्स भी इसमें नीचे कैप्सूल बना हुआ है, ये कैप्सूल में कोरिएंडर के सीड्स हैं। इसमें आपको क्या करना है, बहुत इजी है, आपको आप जब तक आपको ये पेन यूज़ करना है, आप इस पेन को यूज़ कीजिए। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू पुट लाइक दिस, आपको इस तरीके से ये पेन को आपको सॉइल पॉट में लगा देना है। एंड आप जब थोड़े टाइम के बाद
जब भी आपको सेल्फ सस्टेन्ड प्लांट्स निकलने लगे, आप रिफिल को जस्ट टेक एंड थ्रो, कोई इशू नहीं है। आप इसको आराम से, बड़े आराम से आप इससे जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं। एंड सेम प्रोसीजर विल गो विद दी पेंसिल्स ऑल्सो। पेंसिल्स में भी आप ये देख रहे हैं, ग्रीन कलर का जो कैप्सूल है इसके अंदर सीड्स हैं। और सीड्स कौन से हैं, जैसे मेरे हाथ में अभी फ़िलहाल में कोरिएंडर एंड फेन्युग्रीक है। जो भी सीड्स इसमें होंगे उनके नेम आपको पेंसिल के ऊपर लिखे हुए दिखेंगे। वाइल्डलेंस इको फाउंडेशन में मिनिमम 15 वैरायटी ऑफ सीड्स अवेलेबल है। एंड ये सारे सीड्स एंड ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमने लाए हैं वो सारे ट्राइबल्स और विलेजर्स से लाए हुए हैं, जो हमने जो हमारे ट्राइबल्स हैं जिनको बहुत ही कम अगर मैं बोलूं कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा सपोर्ट दे रहे हैं उनको कि वो उनको हम एक ये एक साधन दे सके जिससे कि वो भी कमा सके और वो भी अपने लिए एक एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम हम उन्हें समहाउ प्रोवाइड करा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने ट्राइबल्स और विलेजर्स से परचेज़ की हुई है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एकदम प्योर हैं। किसी भी टाइप का इसमें किसी भी कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मिलावट है या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक एंड प्योर हैं। और ये आप सबसे अच्छी बात, मैं अगर पेन और पेंसिल की बात करूं तो पेन और पेंसिल के मामले में मुझे सबसे ज्यादा जो बेस्ट लगता है वो ये लगता है कि हम इसको सबसे पहले तो अगर हम एक क्विक इनिशिएटिव अगर हम लें तो क्विक इनिशिएटिव तो हम ले सकते हैं। हम हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे तो सबसे ज़्यादा पेंसिल्स यूज़ करते हैं, तो वाई टू यूज़ वुड पेंसिल, क्योंकि वुड पेंसिल से हम कहीं ना कहीं हमारे पेड़ों की जो क्वांटिटी है वो कम कर रहे हैं और उससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म होना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा जो है पॉल्यूशन है, सब चीज़ें हैं, तो क्यों हम यूज़ करें वुड के पेंसिल्स? वाई डोंट यूज़ हैंडक्राफ्ट पेपर पेंसिल, जिससे कि कहीं ना कहीं हम एक तो हमारे ट्रीज़ को बचा रहे हैं एंड दूसरा हम इन्वायरमेंट को एक और छोटा सा पौधा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि हम सबसे पहले इसका एक जो छोटा सा इनिशिएटिव है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों को वुड पेंसिल की जगह पे हैंडक्राफ्टेड पेंसिल्स का यूज़ करवा के। अब मैं बात करूँ कि ये आपको किस टाइप की पैकेजिंग में मिलने वाला है इन वाइल्डलैंड्स इको फाउंडेशन। सो अगर मैं पर्टिकुलरली पेन एंड पेंसिल की बात करूँ तो ये आपको बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग आप देख सकते हैं। इसमें वाइल्डलैंड्स आप लिखा हुआ भी है, ये भी देख सकते हो, और ये भी हैंडक्राफ्ट पेपर से ही बना हुआ है। ये भी 100% बायोडिग्रेडेबल है, किसी भी टाइप से किसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके एनवायरनमेंट को नुकसान करे, या प्लास्टिक हो या लकड़ी हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। 100% बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइकल्ड पेपर के थ्रू बनी हुई है और आपको ये बहुत ही अच्छी सी क्यूट सी पैकेजिंग में मिल रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और आराम से आप इसको कहीं भी अपने हैंड बैग में रख सकते हैं, बच्चों के स्कूल बैग में रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर इन सारे प्रोडक्ट्स की बात करूं, स्पेशली अगर मैं इन प्लास्टिक मग एंड फ्लास्क की बात करूं, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। ट्रैवल फ्रेंडली कैसे हैं ये, हम जैसे अगर हम प्लास्टिक का मग या कांच का मग या फ्लास्क हम यूज़ करते हैं और अगर हम उसको अपने हैंडबैग में रखते हैं तो बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं टूटने के, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक होता है। एंड कांच तो ऑब्वियसली, कांच के अगर मग्स या कांच के फ्लास्क की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। इनका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये ईज़िली टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये उतने हार्ड नहीं है, आप देख सकते हो उतने हार्ड नहीं है, तो आप आराम से इसको ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं कवर करने वाले हैं, आराम से आप इसको रखिए और आप जितना भी चाहें आप उतना बहुत ही कम स्पेस में आप इसको आराम से रख सकते हैं। और आपने बैग अगर इधर उधर भी रख दिया है या ज़्यादा कस के रख दिया है कुछ ऐसे, तो ये टूटने वाला कोई भी इसमें आइटम ऐसा नहीं है जो टूट जाएगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा आपके लिए गिफ्ट ऑप्शन हो सकता है।
आप इसको ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी को भी गिफ्ट किया जा सकता है। अगर बच्चों को गिफ्ट करना हो तो बच्चों को गिफ्ट करने के पर्पस से मुझे लगता है कि मग, फ्लास्क, पेंसिल, पेन, नोटपैड बहुत ही जो है एक ये है कि ये तो कॉमनली बच्चे यूज़ करते ही हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एम्प्लॉई को एज अ एम्प्लॉई किट आप अगर इसे रिप्रेजेंट करें इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉई, तो इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसमें विजिटिंग कार्ड्स भी हैं, इसमें पेन पेंसिल्स भी हैं, इसमें नोटपैड भी हैं एंड ऑल्सो इसमें मग भी है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट वाइल्डलाइन इको फाउंडेशन कि आप उस पर जाकर इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस कि आप इसमें क्या ऐड ऑन करवाना चाहते हैं। जैसे आप अगर इसमें टेबल कैलेंडर ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, आप इसमें बैग ऐड करवाना चाहते हैं, आप इसमें कटलरी सेट या आप इसमें इको फ्रेंडली लंच बॉक्सेस ऐड करवाना चाहते हैं, आप इसमें कस्टमाइज्ड विजिटिंग कार्ड्स ऐड करवाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप वाइल्डलाइफ इको फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके